हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी, एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6, वन थिंग एट अ टाइम। चैप्टर 6, वन थिंग एट अ टाइम का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफिकल्ट वर्ड से, जो कि गिवन है पेज नंबर 45 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 45 पर आप सभी को हेडिंग मिल गई होगी डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है व्हाइल, डब्ल्यू एच आई एल ई, व्हाइल, डब्ल्यू एच आई एल E, while means a period of time. A period of time. While means a period of time. Clear है सभी को? While means a period of time. Now next word. Happy, H A P P Y, happy. Happy means showing pleasure. Happy, H A P P Y, happy means showing pleasure. Showing pleasure. P L E A S U R E, pleasure, showing pleasure, khush. Okay students, now next word, next difficult word hai gay, means anand. G A Y, gay. Gay means joy ya fir anand. J O
वाई, जॉय, गे, गेमीज, जॉय। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वर्ड हाफ्स, एच ए एल वी ई एस, हाफ्स, एच ए एल वी ई एस, हाफ्स मीन्स कैन बी डिवाइडेड। Can be divided. D I V I D E D. इसको क्या पढ़ा जाएगा स्टूडेंट्स? Divided. जिसे बांटा जा सके. Can be divided. And halves means होता है आधा आधा. Okay स्टूडेंट्स? Clear है सभी को? Now next word, golden rule, G O L D E N, golden rule, R U L E, golden rule, एक ऐसा सिद्धांत जिसे हर किसी को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा golden rule का? A principle A principle which should always Always means students hamesha. Always be followed. Okay students, golden rule. A principle which should always be followed. एक ऐसा सिद्धांत जिसे हमेशा मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं प्रिंसिपल, पी आर आई एन सी आई पी एल ई, क्या पढ़ा जाएगा? प्रिंसिपल। नेक्स्ट A L W A Y S, always, always. Now last F O L L O W
डी फॉलोड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है मोमेंट्स। मोमेंट्स, मोमेंट्स मीन्स एन एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम। An exact point in time. इसमें इस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स? Exact. 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 Okay students. Now next word जो कि है threefold. TRIFLED threefold. Threefold means something of little value, something of little value जिसका कम मूल्य हो। समथिंग एस ओ एम ई टी एच आई एन जी एंड क्या पढ़ेंगे? समथिंग विद लिटिल वैल्यू, विद Little value. Clear है students? तो ये हो गए हमारे difficult words. चलिए students, अब आ जाते हैं इस chapter की exercise पर. एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Answer the following questions. Okay, students. नीचे दिए गए questions के हमें answer देने हैं, उत्तर देने हैं. An exercise A का first question है, What is the way to be happy and gay? खुश व आनंद में रहने के लिए क्या हमें करना चाहिए? क्या एक रास्ता है जिससे हम खुश व आनंद में रहें? What is the way to be happy and gay? क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स?
व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चैप्टर में हमने क्या देखा था? कार्य के समय कार्य करो और खेलने के समय खेलो, यही एक रास्ता है जिससे आप खुश व आनंद में रह सकते हैं। तो इट मींस आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वर्किंग विथ प्रॉपर टाइम इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। अगर हम हर समय हर कार्य समय पर करेंगे तो वही एक रास्ता है जिससे कि हम खुश व आनंद में रह सकते हैं। वर्किंग विथ प्रॉपर टाइम इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आर द थिंग्स डन बाय हाफ्स राइट? क्या आधे मन से की गई चीजें या बटी हुई चीजें करने से वो चीजें सही होंगी? आर द थिंग्स डन बाय हाफ्स राइट? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो। नो, द थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नॉट राइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो लिखते हैं आंसर। No, the things done by halves are not right. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन थ्री पर। Now क्वेश्चन थ्री, Should we do many things at a time? क्या हमें एक ही समय पर एक से ज्यादा चीजें करनी चाहिए? क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? Should we do many things at a time? क्या हमें एक ही समय पर एक से ज्यादा कार्य या एक से ज्यादा चीजें करनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नो, वी शुड नॉट डू No, we should not do many things at a time.
ओके स्टूडेंट्स, कि नहीं हमें एक समय पर एक से ज्यादा चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए कंप्लीट। आप सभी को होमवर्क से आज कराए गए डिफिकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके आने हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।